शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। मुख्य अतिथि कहूं, हमारे कार्यक्रम कहूं, राष्ट्रीय संयोजक बांग्लादेश की आजादी को 50 वर्ष के ऊपर हम लोग मना रहे हैं, एआईसीसी ने जो कमेटी बनाई उसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे कैप्टन प्रवीण डागर साहब बनाया, हमें खुशी है। मेरा जब एनएसवीआई कांग्रेस और पंचायत राज के बाद में जब एमएलए का चुनाव हुआ, सबसे पहले जनरल सीट हुई मेरी और मैंने चुनाव लड़ा तो रावत साहब भी हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे और इन्हीं की परख इन्हीं की खोज हम सब लोग आज इनका स्वागत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के संयोजक श्री महेंद्र सिंह मांगे साहब, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी साहब, भरत मेघवाल जी हमारे पूर्व एमपी और उपाध्यक्ष कमेटी के, विशेष रूप से आज जो हमारा सबका गौरव स्वर्गीय कर्नल हर्षा सिंह जी जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके सुपुत्र श्री विजय सिंह जी, प्रभाकर गंगाधर जी जिनको वीर चक्र मिला, हमारे सबके लिए सौभाग्य, हम सबके लिए गौरव। उनकी पुत्री श्रीमती संजना जी, इनका परिवार, आप सब जितना भी जिला से पधारे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता, मैं समझता हूं आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। डावर साहब जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं और ये डावर साहब ने और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने तीनों में से किसी भी सेना में काम किया है, हम उनको सलूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम दोबारा इस बात की चर्चा करें और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसके लिए एक तरीके से राष्ट्रीय संयोजक बना करके डावर साहब को पूरे देश में भेजना पड़ा, इसके नेपथ्य में आपको जाना पड़ेगा। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, देश के वीरों ने, देश के महापुरुषों ने और सबने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश को आजाद कराने के लिए वो दीवाने चढ़ पड़े। बहुत से लोग शहीद हुए, कईयों का परिवार खत्म हो गया, बीवी कहां, बच्चा कहां, घर कहां, परिवार कहां, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश को आजाद कराया। पूरे देश में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। जब देश आजाद हुआ तो यहां पर अंग्रेजों का शासन काफी वर्षों रहने के कारण से जो व्यवस्थाएं बिल्कुल छिन्न भिन्न थी, किसी तरीके की कोई संसाधन नहीं, कैसे देश को आगे बढ़ना है, कैसे विकास करना है, कैसे सुविधा को जुटाना है, यह हमारे लिए चुनौती था कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री की। उन्होंने एक बड़ी सोच के साथ में आजादी से लेकर के और आज तक कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे राजीव जी हों, जहां जहां जो जो बल पड़ा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, अपने प्राण भी न्यौछावर किए। जिस प्रकार से शिक्षा को महत्व दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, कल कारखाने, डैम, सड़कें, पुल, जो आज आधुनिक भारत हम देख रहे हैं उसमें से अगर मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 90% से ज्यादा जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के कारण। हम नकार भी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने या गुजरात जी बने या देवगौड़ा जी बने, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का एक लंबा इतिहास, लंबी सोच, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के ऐसे कार्यक्रम दिए। और जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया,
21वीं सदी के लिए संचार की क्रांति लेकर के आए। पहले हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, हम अमेरिका का वो खाद जैसा चावल था, वो मक्का खाते थे, गेहूं कितना सड़ा जलाता था, किस प्रकार से किसानों में जागृति लाने का काम हुआ और आज अनाज में आत्मनिर्भर बने, बल्कि हम विदेशों में देते हैं। आज तो दुनिया में अगर हिंदुस्तान का नाम हुआ तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एक बहुत बड़ा उनका लंबा इतिहास हो, बहुत अच्छे अच्छी योजनाएं काम, उसके बावजूद भी आज मैं समझता हूं कि जो माहौल पूरे देश में बना, यूपीए बन, आप देखिए कितनी योजनाएं आई, अनिवार्य शिक्षा कानून लागू हुआ, राजीव जी ने आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत राज को मजबूत करने का काम किया, सूचना का अधिकार दिया जिससे भ्रष्टाचार कम हो, तमाम वो काम जो आज देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम ईश्वर में करते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के चरणों के समय हुआ। लेकिन आज का युवा, आज से सात साल पहले देखिए ऐसे पिक्चर में जैसे किसी का उदय होता है वैसे उदय हुआ, तो खास आप देश को आगे ले जाने का अगर काम करेंगे तो कुल मोदी जी करेंगे। देश के युवाओं को वर्णित किया गया कि युवाओं का भारत है, युवाओं के लिए मैं करूंगा। किसानों को वर्णित किया गया कि किसान को 70 साल बाद में भी वो तरक्की नहीं मिली जो तरक्की मिलनी चाहिए थी। महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ, महिलाओं के लिए और बेहतर कैसे प्रबंधन हो, हमारी विदेश नीति कैसी हो, तरह तरह की सब बात दिखाई गई, तरह तरह के देश के लोगों के साथ में वादे किए गए, महंगाई कम करने का वादा, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा, विदेश नीति ठीक करने का वादा, और ये सारी चीजें करने के बाद में जब देश में आतंकवाद को रोक देंगे, खत्म कर देंगे, फेक करेंसी को खत्म कर देंगे, आप अगर फेरियस पढ़ो तो ऐसे सैकड़ों से ज्यादा ऐसे प्रमुख वादे जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनकी पार्टी ने एनडीए ने किए, लेकिन हुआ क्या? सात साल बाद में आप बता दीजिए, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग, 5 साल का हिसाब देने की बात करने वाले लोग, 5 साल बाद में सेना के शौर्य के पीछे झुक करके और दोबारा एक चुनाव जीत लिया, 5 साल तक एक पैसे का हिसाब नहीं दिया, एक काम का हिसाब नहीं दिया, एक किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी इसका हिसाब नहीं दिया, आमदनी दुगुनी करने वाले लोग आमदनी कम हो रही थी उसका हिसाब नहीं दिया, एक चीज उन्होंने की तो बताइए। लेकिन बात वही है कि युवा आज का जो 50 साल, 70 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल, यूपीए के 10 साल, इंदिरा जी का वो जमाना जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, राजीव जी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, चाइना के बॉर्डर पे कब्जा नहीं करने दिया, कितने काम बताऊं कितनी चीजें। लेकिन अगर हम सही मायने में पूछें तो इनके बारे में हम जो बैठे हैं हमारी औलादों को भी पता नहीं। ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि आज वो लोग जो आजादी के समय अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो आजादी में जिनका शून्य योगदान, वो लोग आज देश में हमारे लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को, किसानों को गुमराह करके सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद में जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, किसी की सुन रहे नहीं है। आप देखिए 10 महीने से किसान बैठा है, कोई सुन रहा है? भाई आप जबरदस्ती क्यों वो काले कानून की लाना चाहते हो जिसको किसी ने मांगा नहीं, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी राज्यसभा के मेंबर ने, लोकसभा के मेंबर ने, किसी ने मांग नहीं की, आप जबरदस्ती क्यों लाना चाहते हो? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भी हिंदू और मुस्लिम की बात करके भाई को भाई से क्यों लड़ाना चाहते हो? लेकिन बात यह है कि हम तो हमारा इतिहास भूलने लग गए, हमारे बच्चों को बताया नहीं रहे हैं, और वो लोग अपना इतिहास नहीं होते हुए भी झूठा काल्पनिक इतिहास बना करके इस प्रकार से कह रहे हैं। अब आप देखिए वंदे मातरम, बीजेपी के लोग वंदे मातरम भी आरएसएस वाले लेके आए थे। हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, कांग्रेस पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से वंदे मातरम से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है और राष्ट्रगान से कहा जय श्री राम के नारे बोल देते। अरे कौन मना कर रहा है जय श्री राम के नारों से? कौन मना कर रहा है जैसे? कौन मना रहा है भगवान को? कौन मना कर रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने उसको स्वीकार किया,
उसकी भी अपनी जीत बता रहे हैं, देखो साहब हम मंदिर बना रहे हैं, तुम तो मंदिर के चंदे में चोरी कर रहे हो, मंदिर कहां बना रहे हो? मंदिर तो इस देश की जनता बना रही है, देश की जनता जिसमें 130 करोड़ लोग हैं, जो हर धर्म के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि मंदिर बने और उसमें उनका योगदान है। तुम्हारा कौन सा योगदान है? आप तो सेंट्रल मिनिस्टर बना रहे हो जिसमें मोदी जी आराम से रह सके, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो जनता की बात आ रही है, जो आक्रोश आ रहा है, ये सेंट्रल मिनिस्टर बन तो जाएगा लेकिन मोदी जी पैर नहीं रख पाएंगे। लेकिन ये जनता को बताना पड़ेगा, युवाओं का भारत और युवाओं का देश और युवाओं के लिए गठबंधन वोट का अधिकार तो युवाओं को हमने दिया, और उस हमने राजीव जी ने जो वोट को युवाओं का अधिकार दिया, उस वोट के का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारी सत्ता को कमा लिया, वो सत्ता में काबिज हो गए। जिन सैनिकों के लिए डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो उनकी मांग थी 70% 80% हमने पूरी की, और उसके सोरे के पीछे छुप करके दोबारा सत्ता में आ गए, और हमारी बातों को लोग भूलने लग गए, याद ही नहीं करते। सही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि दादा का नाम याद होगा, पड़दादा का होगा, लेकिन उसके पीछे जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। जब आज से 50 साल पहले जो व्यक्ति इस दुनिया में था, जिसके हम लोग उसके वंश हैं, और उसका नाम याद भी नहीं है, तो जो हमारे आजादी के दिमाग में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो किया, उसको हमको बताना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिक कैसे याद करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे सिस्टम चला गया, सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, गूगल आदि पता नहीं क्या क्या गया, उसकी ऐसी ऐसी बातें चला दी कि जैसे देश को आजाद भी मोदी जी ने कराया हो या आरएसएस ने कराया हो। कहां थे आरएसएस? मुखबरी करने का काम कर रहे थे। कहां थे मोदी जी? ये मोदी जी का तो उन्हें वहां हिंदू और मुस्लिम करके गुजरात में हुआ, और वही गुजरात का मॉडल पूरे देश को बनाना चाहते थे। इस देश के 130 करोड़ बहादुर जनता को सलूट करते हैं कि उन्होंने इसके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। तरह तरह के पाठक लाए, कभी सीए लाए, कभी दूसरे लाए, कभी 3 तलाक, कभी धारा 370, सब कुछ लाए। देश के 130 करोड़ जनता ने कहा इनको सत्ता में बैठाए, जो करना है करने दो, लेकिन आने वाला वक्त हमारा है, हम इनको दिखा देंगे कि आप सब झूठी बातें करते हो। अगर देश के लिए आजादी से लेकर के आज तक किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और हमारे माता। आप देखिए कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उस पर नाम नहीं, इंदिरा जी का योगदान नहीं। अरे यही तो इंदिरा जी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 80 लाख सैनिकों को सरेंडर करा दिया। यही तो डॉक्टर साहब बताने के लिए आए, और बताने के लिए इसलिए आए कि हमको गांव गली में ढाणी में मोहल्ले में जाकर के हमारे बेटों को भाइयों को छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा ये क्या, और बताना नहीं पड़ेगा तो ये तो पूरे देश को बेच खाएंगे। आज क्या हालत बना रखी है, रेल बेच रहे, तेल बेच ही दिया, कहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव रुपये में था, कहां आज भाव है? ये ऐसा लाल लाल वाले पीने पीने वाले जितने पेट्रोल पंप आ गए, आप बताइए कहां हमारी नामी नवरत्न कंपनियां थी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कहां थी? जब BSNL जब टेलीफोन की घंटी बजती थी ना तो पूरा शरीर खुशी से रोमांच से होता था। BSNL को खत्म कर दिया। LIC तो आदमी कहता था कि मेरे को LIC कमा रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का पालन पोषण LIC कर देगी, उस LIC को खत्म कर रहे, चिट फंड कंपनियां ला रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमको बतानी पड़ेगी, और डावत साहब अकेले पूरे हिंदुस्तान में नहीं बता सकते, मालवीय जी पूरे प्रदेश में नहीं बता सकते, हम लोग सब जगह नहीं जा सकते, बेगवा जी सब जगह नहीं जा सकते। हमारे पास में हमारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास, और हमारे पास में इतनी इतनी बड़ी बड़ी जीत बताने के लिए हमारे युवा साथियों को, बेटों को, बहुओं को बताने के लिए है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने ये किया, हमारे नेताओं ने ये किया, उसको हम बता ही नहीं रहे। हम तो बड़ा अजीब माहौल बना रखा है, सब एक ही बात कहते हैं, किसी से बात कर लो कि मोदी जी काम को धंधा नहीं कर रहा, लेकिन फिर चुप हो जाते। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की नहीं चलती, RSS की चलती है, लेकिन फिर चुप हो जाते। RSS कभी चुनाव नहीं लड़ता लेकिन पीछे से सरकारें चलाता है, चाहे केंद्र में हो चाहे बीजेपी शासित राज्यों में प्रदेश में हो, फिर चुप हो जाता है। तो जब सब गलत काम हो रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, तो उसके बाद में चुप्पी किस बात की? हमारे पास में वो कुंजी है जिसको हम लोगों को बता सकते हैं। आज क्या हाल है चुनाव आयोग का, बता दीजिए चुनाव आयोग का क्या हाल है, क्यों नहीं हो रहे हमारे दो चुनाव, आप बताइए क्यों नहीं हो रहे? वहां पर महाराष्ट्र में जब 6 महीने होने लगे थे तो वो ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए
या तो एमएलए बने या एमएलसी बने, रोक के रख लिया और उधर ठाकरे जी गए और देश के प्रधानमंत्री को कहा कि ये ठीक नहीं है, अगर हम आपके साथ थे तब तो हम बहुत अच्छे थे, जब हम आपके साथ नहीं है तो हम बुरे होंगे, आप ये क्यों करना चाह रहे हो। तो आपने देखा होगा कि ठीक है एक चुनाव करा देते आप। अरे भाई क्यों, मतलब उनके पास जाए तब चुनाव होंगे, नहीं चुनाव नहीं होंगे। दल बदल विरोधी कानून लेकर के आए राजीव गांधी जी, क्या मंशा थी कि एक धर्म की विचारधारा से जीता हुआ आदमी अपनी विचारधारा के साथ रहे, दूसरे के साथ में नहीं जाए, और अगर जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। क्या तरीका निकाला बताओ, आप तोड़ निकाला कि इस्तीफा दे दो, पैसे ले लो, पैसे लेके इस्तीफा भी दे दो, फिर पैसे लेकर के देकर के चुनाव लड़ा देंगे, फिर उसको पद दे देंगे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में आप देखिए, गुजरात के राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ ये देखेंगे। तो हम देख करके ये तांडव नृत्य जो पूरे देश में चल रहा है उसको देख करके अगर हम सबक नहीं लेंगे, हम वोकल नहीं होंगे, हम गांव में ढाणी में बैठे युवा को जागृत नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं बताएंगे, तो ये ठगोरे जाने वाले नहीं है इस देश से, ये कमर कसनी पड़ेगी। ये ठगोरे लोग हैं, ठगोरे जानते हो, ये ठगते हैं। ठगने वाला व्यक्ति चापलूसी की बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, ये जो सोने की ईंट करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं आप बताइए। आप एक भाग ले आइए दो बड़ी का, 20 बड़ी की ईंट दे दूंगा, अब 2 बड़ी में 20 बड़ी को देता है क्या, लेकिन ठग लेते हैं, बोलते ऐसे ऐसे। आजकल जब सोशल मीडिया चल गया और वो चल गया तो क्या करते हैं, ऐसी भावनात्मक बात करते हैं, साहब मेरी माँ बीमार है, रोने लग जाते हैं, आप इस खाते में पैसे डाल दीजिए, मैं मेरे के इलाज करवाता हूँ, क्या आप अपना पिन नंबर बता दीजिए, आप अपने खाता नंबर बता दीजिए, ये बता दीजिए, आपको ये फायदा मिल जाएगा, आपको ये ऑफर मिल जाएगा, पैसे आपके खाते से छूट, ये ठगोरे तो है। तो उसी तरीके से ये ठगोरे लोग आज के अंदर की सरकार में बैठे हैं, इनको इस सत्ता से हटाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमको कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस नेताओं के जो काम है उनको बताना पड़ेगा, और बताने का जिम्मा हर व्यक्ति को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेना पड़ेगा, और जब हम लेंगे तब जाकर के इन ठगों से हमारा पीछा छूटेगा, ऐसे नहीं छूटने वाला। इनको जितनी अकल है, भगवान ने पता नहीं बेईमानी के लिए इतनी अकल इन्हीं को छूट दी, पीएम केयर फंड बढ़ा दिया, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसके 6-7 का पैसा उन्होंने ले लिया, उससे छूट मिलेगी। और अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष बना, जो भी बना उसके अंदर 6-7 नहीं ले सकते, केवल पीएम केयर फंड। और हम अगर कोई भी काम करेंगे तो हमारी उम्मीद होगी केंद्र भी करेगा, स्टेट भी करेगा, और अगर पीएम केयर फंड से कुछ भी आपने कर लिया तो भी आप उसकी ऑडिट नहीं करा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से चंदा ले रहे हो, दुनिया भर का चंदा ले सकते हो, तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, आप आरटीआई के माध्यम से नहीं बता सकते। जो लोकपाल की बात करने वाले कहां गए, प्रधानमंत्री का दायरा होना चाहिए, ये दायरा होना चाहिए, कहां गया कोई बात करता है क्या, कहां गए वो बाबा रामदेव, कहां गए अन्ना हजारे, कोई बात करता है। उन्होंने उनका सहारा लिया, अपनी बात को झूठ को बरेसा और बरेस करके हमारे युवाओं को भ्रमित किया, और हमारे हम देखते रहे भाई वो तो ही पोता तय करने लग गया। जब पोता तय करने लग गया उसको इतिहास नहीं था, तो दादा की जो संपत्ति थी वो भी उसका भी सत्यानाश हो गया, उसको वो भी खत्म हो गया। जब तक पोते को इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी क्या थी, हम क्या थे, हमारे साथ में किस प्रकार से जुल्म होते थे, क्या जागीदारी प्रथा थी, क्या अंग्रेज हमके साथ में करते थे, वो बातें नहीं बताएंगे, उनसे हम कैसे आज इस स्थिति में पहुंचे जब विश्व में हमारा देश का नाम हुआ, तब तक हम लोग इनको सत्ता से बाहर नहीं कर सकते, ये हमको समझना पड़ेगा। तो देश को बचाने के लिए बस आप पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं, हमको तो एक जिले में घूमना है, आपको जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया, आप जिले में घूमिए, हम लोग उनको बुलाइए, मान लीजिए आएंगे, हम आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो तमाम नेता जो भी है उनको आप बुलाओ, आएंगे जो अच्छा जिस विषय के ऊपर मास्टरी से बोलने वाला व्यक्ति है, जो पूरी जानकारी रखता है, उसको हम साथ लेकर के आएंगे, पूरे गांव में चौपाल में बैठ करके मंच के ऊपर से भाषण देकर के बताएंगे लोगों को कि क्या देश का क्या हाल हुआ। ये गुजरात मॉडल देखा नहीं, गुजरात मॉडल भूखे मर रहे लोग, गुजरात मॉडल है जानते हैं हमारे देवासी साहब, अच्छी तरह जानते हैं गुजरात के बॉर्डर में क्या है, वहां पर हालात ये है कि लोग भूख मर रहे हैं, खाने के लिए दाना नहीं है। अभी मेरे को कोई कह रहा था कि अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले, 20-20 मिनटों को बुलाया बंद कमरे में कि तुम योजना लाओ, चुनाव आगे हैं, तुम जो कहो गांधीनगर में करूंगा, लेकिन हमको तो पैसा चाहिए। वो खुलेआम बात करते हैं, हम हमारी चीज बीवी का पैसा वापस उधार दिया वाला नहीं मांग सकते, और वो भ्रष्टाचार की खुली बातें करते हैं, उसके बावजूद भी लाल किले से देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हिंदुस्तान, तो ये ऐसी भी क्या करिए, डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाना चाहिए था।
जब आपने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, नोटबंदी करके आतंकवाद समाप्त कर दिया, बैंक करेंसी कर दी, आज आपको पता होगा 2000 के नोट वापिस जमा होने चालू हो गए। इसके पीछे भी कोई कोई राज है, हमको देखना पड़ेगा कि क्या राज है। या तो ये चुनावी संदेह के लिए खुद जमा कर रहे हैं केंद्र में बैठे हुए लोग, और या इतने नकली नोट आगे होंगे कि वो नकली नोटों को वापिस उनको बंद करना पड़ेगा। दोनों में से एक बात होके रहेगी। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, आप किसी बैंक में चले जाइए, 2000 करोड़ अगर आपने जमा करा दिया तो आपको वापिस नहीं मिलेगा, आपको दूसरे छोटे नोट भी मिलेंगे। इसके पीछे भी कोई कोई रीजन जरूर है, इसको हमको खोजना पड़ेगा। 500 के नोट बंद कर दिए, अमित शाह के बंद हुए, उसके तो चाहे जैसे हुए। उत्तर प्रदेश में देखिए दूसरी दलों का क्या हाल कर दिया चुनाव के अंदर। मैं खुद गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में डॉक्टर साहब, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने कहा था हमारे पास पैसे नहीं, चुनाव का ऐसे लड़े। मैंने कहा भाई क्यों? बोले साहब 100 पैसे शाम मिले, पूरे परिवार वाले लगे रहते हैं तो किसी से 2000 किसी से 5000 20-30 हजार रुपए इकट्ठे करते, गाड़ी घोड़े में लग जाते, हम चुनाव लड़े पाए। तो मैंने कहा ये तो हाथ दूसरे वालों को हो। बोले नहीं, दूसरे वाले का ये हाल नहीं है, वहां तो चाहे जितने पैसे लो, चाहे जिसे खर्चा करो, चाहे जितनी गाड़ियां करो, मैं जिस गांव में एक लगाता हूं उसमें 50 गाड़ी पहले से बीजेपी की लगी हुई, ये हमारा खराब। तो इसलिए हमको सबको समझना पड़ेगा, लंबा भाषण नहीं है, सब आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पूरे देश के लिए कांग्रेस के लिए आप हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मेरी ड्यूटी है कि जब रावत साहब आए तो मैं इनका स्वागत करूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत है। वो आश्वस्त है इसलिए आ नहीं सके, वरना वो तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को हमको जाना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को ये बात बतानी चाहिए। हमारे पास में इतनी बातें गिनाने के लिए है, इतने काम गिनाने के लिए है, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं शिक्षा मंत्री बना रावत साहब तो मैंने देखा कि हमारे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 किताबें उन्होंने चला रखी, उसके हालांकि मार्क्स नहीं होते, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जन उपयोगी पता नहीं क्या जन उपयोग मतलब जनता के लिए उससे नहीं हो सकते, तो उसने एक तो नोटबंदी था और पता नहीं भामाशाह कार्ड में कई तरह की कितना है ना भाई। नोटबंदी तो सबसे फेलियर और सबसे देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये जन उपयोग योजना कैसे हो सकती है? तो मैंने उन 4 किताबों को रहते शिक्षा मंत्री बंद किया और उसकी जगह 4 किताबें चलाई जो 11वीं और 12वीं में आजादी से लेकर के अब तक का स्वर्णिम भारत और राजस्थान के शौर्य वीर गाथा और उसका कला और संस्कृति, जिसमें हमारे जो महान ये जो ब्रिगेडियर वीर चक्कर परमवीर चक्कर क्या जिन्होंने देश के लिए आन पान शान के लिए अपने प्राण बचाव किए, उन लोगों को जोड़ा और आज वो किताबें चल रही हैं, वो जन उपयोगी घोटाले जो है वह आज नहीं चल रही। लेकिन इन सब बातों को केवल किताबों तक सीमित रखने से बात नहीं बढ़ेगा, हमको गांव में ढाणी में जाकर के हमको हमारी बात, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी से लेकर के अब तक का जो योगदान है उसको हमको बताना पड़ेगा। मैं समझता हूँ डावर साहब इसी उद्देश्य के साथ में जो बड़ा काम विश्व में कहीं नहीं हुआ हमारी नेता सुन के इंदिरा गांधी जी ने करके दिखाया, उसको अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है, जो हमारी युवा पीढ़ी उसको पता नहीं है, तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में आगे जिनका ऐसे कामों से कोई योगदान नहीं है। पेगासस लेकर के आए, एक तो इंदिरा गांधी थी जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और एक मोदी जी ने जो जाकर के वहां से इसराइल से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर लेकर के आए और अपने मित्रों की और कांग्रेस के नेताओं की और देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज की वो जासूसी करवा रहे। ये हमें कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में फर्क है। इस फर्क को गांव ढाणी और गरीब होने तक पहुंचाना है। आप सब आए, आपका अपना स्वागत अभिनंदन, डावर साहब का आप सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जय हिंद जय भारत। ओजस्वी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। राष्ट्रपति होगा उससे पहले मैं